हेलो एवरीवन, आप सभी जुड़े हुए हैं फिल्म बीबो पे और मैं हूँ आपके साथ प्रिया गोयल। ऐसा समाज जहाँ पे लड़कियों को लड़कों से कम समझा जाता है, ऐसा समाज जहाँ पे लड़कियों की लड़कों से तुलना ये सोच के नहीं की जाती कि उन क्योंकि लड़कियाँ उतनी सक्षम नहीं कि उनकी बराबरी एक लड़के से की जाए। इन सभी सवालों का जवाब देने का काम किया था लखनऊ की रहने वाली गुंजन सक्सेना ने, जिन्होंने 30 साल पहले यानी 90s में वो काम कर दिखाया जो शायद उस टाइम किसी लड़की के लिए कर जाना बहुत टफ होगा। गुंजन सक्सेना बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर टू गो टू द कारगिल वॉर। शी इज द ओनली वुमेन टू बी पार्ट ऑफ द कारगिल वॉर। और ये काम उन्होंने तब कर दिखाया जब फेमिनिज्म जैसा इस दुनिया में कोई चलन नहीं था। ये काम उन्होंने तब कर दिखाया जहाँ पे लड़कियों पे दबाव बनाया जाता है कि स्कूल ख़त्म होती तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी क्योंकि तुम्हें अब जल्द से जल्द सेटल होना है। ये काम उन्होंने तब कर दिखाया जहाँ पे लड़कियों के हाथ में बुक्स की जगह बेलन और चकला पकड़वा दिया जाता है कि लो अब तुम घर संभालो और अपने दिमाग से आगे पढ़ने जैसे ख्वाब निकाल देना, क्योंकि ये सब लड़कियों को शोभा नहीं देता, क्योंकि लड़कियां लड़कों से बराबरी नहीं किया करती, क्योंकि लड़कियां उतनी सक्षम नहीं कि वो लड़कों की तरह आगे पढ़ लिख सकें। ऐसे सोच रखने वाले लोगों को कुंदन सक्सेना ने ये साबित कर दिखाया कि लड़कियां घर की रसोई तक सीमित नहीं बल्कि अगर वो चाहे तो देश की जिम्मेदारी उठाने में भी सक्षम है। आज हम जितने भी बदलाव देख रहे हैं उनमें से गुंजन सक्सेना जैसी महिलाओं की एक अहम भूमिका है, जिन्होंने अपनी लगन से, निरंतर प्रयास से, अपनी इच्छा से, डेडिकेशन से उन लड़कियों को आसमान में उड़ान भरने की प्रेरणा दी है। इसी कहानी को लेके शरण शर्मा आप सभी के लिए कारगिल गर्ल गुंजन सक्सेना मूवी नेटफ्लिक्स पे लेके आए हैं। गुंजन सक्सेना बनी जाह्नवी कपूर ने इस मूवी में एक्टिंग ठीक ठाक की, ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है, हालांकि उनसे उम्मीद थी बट वो उन्होंने हम सभी की उम्मीदों में पानी फेर दिया है। गुंजन के पिता अशोक सक्सेना बने पंकज त्रिपाठी का इस मूवी में बेहद इमोशनल और एक इम्पैक्टफुल रोल रहा है जहां पे शायद एक लड़की के बाप उनसे कनेक्ट कर सकेंगे। वहीं माँ और भाई का रोल निभा रहे आयशा राज और अंगद बेदी की परफॉर्मेंस इस मूवी में ठीक ठाक है, हालांकि उनके पास इस मूवी में कुछ करने को ज़्यादा था नहीं। कि मूवी जितनी ही गुंजन सक्सेना की लाइफ के ऊपर है उतनी ही मूवी शायद इसमें आप कारगिल युद्ध को बेहद नज़दीकी से देख पाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस मूवी को आप एक देशभक्ति के एंगल से देख डालें। और हालांकि शरण शर्मा ने ऐसा कोई प्रयास किया भी नहीं है, ये मूवी पूरी तरीके से एक लड़की और एक उस बाप की है जिसने अपनी लड़की को थ्रू आउट लाइफ में सपोर्ट किया है, कैसे उसने अपनी लड़की के सपनों की तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, शुरुआत से लेकर अंत तक अपनी बेटी के सपनों में कैसे पंख लगाएं, ये सब बताने का काम करती है गुंजन सक्सेना मूवी। ये मूवी देखेगा ज़रूर, ये मूवी बेहद इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल मूवी। ये मूवी स्पेशली उन माँ बाप को देखनी चाहिए जिनको लगता है कि लड़कियाँ लड़कों से बहुत कम होती हैं, उनमें इतना कैलिबर नहीं कि वो आगे बढ़ सके। अगर उन्हें ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की, उनको अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ाएं, ना कि उनकी शादी करके उनके सपनों पर ताला लगा दें। वो कहते हैं ना, एक नारी सभी पे बारी, वाकई में अगर लड़की चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकती। ये मूवी देखिएगा ज़रूर, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देखिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस मूवी से आपको क्या सीखने को मिला। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को यानी फिल्म वीवो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी मेरी फिर से जल्द मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।